आज हम यहाँ दो साल पहले जो हमने कारगिल विजय ट्रक की वो बनाने के ऊपर उपस्थित हुए हैं लोकजन सेवा संस्थान के बैनर के अंतर्गत। कारगिल का युद्ध 30 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ था और हमने 26 जुलाई 1999 को पहली बार कारगिल विजय दिवस मनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम 25वां विजय दिवस मना रहे हैं। ये हमारे बड़े गर्व की बात है कि आज हम 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं कि 24 साल पूरे हो चुके कल, आज हम 25वां विजय दिवस मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में ये कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कारगिल में 562 जवान हमारे शहीद हुए, हालांकि 68 को मरणोपरांत सरकार ने विशिष्ट मेडल दिए वो अलग बात है, पर कुल शहीद हुए 562। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि मेमोरियल पर उन सबको पुष्पांजलि पुष्प वर्षा कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उन्हें याद करें कि उनके महान कार्यों से आज हमारा देश सुरक्षित है। और दो महीने का जो युद्ध चला 3 मई से लगाकर 26 जुलाई तक, कुछ आप समझ सकते हैं कारगिल में कितनी ठंड पड़ती है, बर्फ है, इसकी विषम परिस्थिति में उन्होंने पाकिस्तान का मुकाबला किया और हम जो बता देश को विजय दिलाई। ऐसे हमारे वीर सपूतों को आज हम विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और उनको हमारे कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इसी अवसर पर हमारे सुप्रीम कृति कलाकार ये 25 पृष्ठ कारगिल की पूरी पृष्ठभूमि बनाते हुए एक लघु पुस्तिका बनाई है, उसका भी आज हम विमोचन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटी सी किताब है, झंडा लगाया है, अंदर पूरा विवरण कौन कौन शहीद हुआ, किस तरह कौन सी स्थिति, कितने भारतीय जवान शहीद हुए हैं, कितने घायल हुए हैं और कैसे कैसे लड़ाई गई, उसके जो भी भारत सरकार ने करे ऑफिशियली वो सब करते हुए पूरे भर दिए हैं और वेट कर रहे हैं। हमने वो लिखा है मंत्रालय को कि हमको जो मरे हैं फोटो भेजा जाए, वो अभी तक नहीं आए हैं, वो आते हैं पर वो उनके भी एक एक का फोटो अंदर लगाया जाएगा, वो अभी तक सारे पहुँचे नहीं है हमारे पास। इस तरह ये पूरी जानकारी कारगिल युद्ध की आपने इसमें संग्रहित की है, ये बहुत बड़ी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि आपने कारगिल के वीर जवानों को दी है।